नमस्कार, मोहिनी के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर का निमोना। तो सर्दियों में बाज़ार में मटर बहुत आती है, तो मटर का निमोना भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये मटर और आलू एक साथ मैंने कुकर में उबाल लिया है। दोनों चीज़ें उबल गई हैं। अब हम आलू को निकाल कर रख दिया है और इस मटर को गिलास की सहायता से इस तरह से मसल लेंगे। आप इसको चाहे मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं। तो मैंने इस तरह से मसल लिया है और देखिए एकदम से पीस गई है। इसके बाद हम आलूओं को काट लेंगे। तो ये आलू हैं, तो इन आलूओं को भी हम काट लेंगे। तो ये लहसुन है, प्याज है और हरी मिर्च है। दो हरी मिर्च हैं, एक बड़ा प्याज है और चार छः कलियाँ लहसुन की हैं। तो इधर कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है, तो इसमें हम डाल देंगे जीरा। तो जीरा भी चटक गया है, अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन। इसके बाद हम प्याज डाल देंगे, चला देंगे अच्छे से। इसको हम पका लेंगे, सुनहरा होने तक भून लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च। तो इसको थोड़ा सा चलाते हुए इस तरह से पका लेंगे। अब हम डाल देंगे हरी मिर्च। तो मैंने दो हरी मिर्चें डाली हैं। अब हम डालेंगे वही पिसी हुई मटर, क्योंकि पहले हम मटर को फ्राई करेंगे, भूनेंगे। इस तरह से थोड़े थोड़े डालेंगे और चलाते हुए भून लेंगे। अब इसमें हम आलू भी डाल देंगे। चाहे हम पहले आलू डाल दें या बाद में डाल दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम टमाटर को भी डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद अब हम डालेंगे मसाले। तो मसालों में मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो अब हम इसको भी पका लेंगे थोड़ी देर। अच्छे से मिक्स करेंगे और पका लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी अपने अंदाज से, अपने पसंद के अनुसार, जितना हमें पतला और गाढ़ा सब्जी चाहिए उस हिसाब से हम पानी को डालेंगे। तो कम से कम इतना पानी रहेगा सब्जी पकने के बाद। अब हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे पकने भर के लिए। तो थोड़ा सा और डाल दिया और इसमें हम 1.5 चम्मच नमक डालेंगे, क्योंकि थोड़ी सी सब्ज़ी ज़्यादा है। तो सब्जी को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं धीमी आँच पर, और सब्जी बनकर तैयार है, पक गई है अच्छे से। अच्छी सी खुशबू आ रही है गरम मसाले की। ये है निमोना। निमोना बनकर तैयार है। अब हम एक कटोरी में सर्व कर लेते हैं। तो ये कटोरी में सर्व कर लिया है। अगर इस तरह से बना हुआ निमोना आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।